सार में व्यक्ति को कैसे जाना जाता है दो कारण लोगों को जाना जाता है एक कैटेगरी होता है जो व्यक्ति बहुत कुछ करता है परमेश्वर के लिए हम उसको याद रखते हैं है ना कुछ करता है प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हम उन व्यक्तियों को याद रखते हैं और दूसरा कैटेगरी वो होता है जो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है प्रॉब्लम को क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स को बनाता है उन लोगों को भी याद रखते हैं आप जब टिमथी की पुस्तक पढ़ेंगे टिमथी की पुस्तक में पोलूस ने अपने स्पिरिचुअल सन पोलूस ने अपने स्पिरिचुअल सन टिमथी को बोला कि बेटा तेरे ऊपर एक भविष्यवाणी की गई है तेरे ऊपर प्रोफेसी की गई है तेरे ऊपर कॉलिंग है बट इस कॉलिंग में तू अड़े और खड़े रहना क्योंकि एक मलयुद्ध तेरे, तेरे अगेंस्ट खड़ा है उस मलयुद्ध को फेस करना और तू जीत लेके आएगा और उसके बाद पॉलूस ने यह भी बोला दो लोगों के नाम लिए उन्होंने बोला कि यह तो मैंने मिनिस्ट्री के लिए एक सिरदर्द हो गया था मैंने उनको शैतान के हाथ में दे दिया और पॉलुस ने एक चीज और बोला अगर तू तो अपने कॉलिंग से हट गया तो विश्वास से भी हट जाएगा क्या बोला पॉलुस ने अगर तू अपने कॉलिंग से हट जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास को भी खो बैठ जाते हैं जब कॉलिंग से हट जाते हैं पहला 18। हे hey, पुत्र टिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई है मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहना उस कॉलिंग उस असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट परमेश्वर ने दिया जो कॉलिंग आपको दिया जो असाइनमेंट आपको दिया परमेश्वर कहता है उस असाइनमेंट के लिए तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे क्या बोला पोलोस ने विश्वास विश्वास को तू थामे रहे तू डगमगाना मत उस कॉलिंग में अड़े और खड़े रहने के लिए वो फाइट जो तेरे विरुद्ध आके खड़ा होता है तेरे विरुद्ध नहीं उस कॉलिंग के विरुद्ध खड़ा होता है अक्सर आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति के ऊपर ले हैंड होता है उसके ऊपर अटैक बढ़ जाता है क्यों क्योंकि परमेश्वर के दास उसके ऊपर एक घोषणा को करते हैं और उसके बाद डेविल को पता चल जाता है इसके ऊपर एक कॉलिंग की घोषणा रिलीज कर दी गई है और डेविल फाइट करना शुरू कर देता है क्योंकि जब वो व्यक्ति अपनी कॉलिंग को पूरा करता है अपने असाइनमेंट को पूरा करता है वो ब्लेसिंग्स को लेके आता है और डेविल नहीं चाहता कि हम उस आशीष को लेके आए इसीलिए वो फाइट शुरू हो जाती है और यहां पॉलूस अपने स्पिरिचुअल सन को कहता है कि तू उस अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे विश्वास और अच्छे विवेक को तू थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया पॉलूस ने बोला कि बहुत लोग जो हट गए उन कॉलिंग से हट गए उनका विश्वास भी खत्म हो गया और पोलूस कहता है उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि परमेश्वर की निंदा करना न सीखें सो so, पॉलूस कहता है पोलूस ने टिमथीस को क्या बोला उसको एनकरेज किया उसके असाइनमेंट को पूरा करने के लिए और पॉलूस ने दो भाइयों का नाम और लिया जिन्होंने पॉलूस के मिनिस्ट्री में एक सिरदर्द बन के खड़ा हुआ था और जैसे मैंने बोला हम लोगों को कैसे याद रखते हैं एक ग्रुप होता है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक ग्रुप कौन सा होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप ऑफिस में हो आपका काम है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना तभी आपका बॉस आपको याद रखेगा आपके डायरेक्टर्स आपके सीईओज़, जहां भी आप काम कर रहे हैं आप फैमिली में हैं आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग आपको याद रखेंगे और दूसरा कैटेगरी है जो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है वो वेट कर रहा है कि मैं शांत बैठा है सब कुछ अब मैं प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करूं मैं लड़ाई कैसे करूं मैं क्रिएट कैसे करूं उनको भी याद किया जाता है जैसे पॉलूस ने बोला उन दो भाइयों का नाम लेके बोला कि ये इनको मैंने क्या कर दिया शैतान के हाथ में दे दिया मैंने सो so, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो प्रॉब्लम सॉल्वर आपने मदर टेरिसा का नाम सुना कितने लोगों ने सुना वो प्रॉब्लम सॉल्वर थी या उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने जब गरीबी को देखा गरीबों को देखा उनके साथ उन्होंने अपने जीवन को गरीबों के लिए दे दिया हम बिली ग्राहम के बारे में सुनते हैं जो फाइनेस्ट प्रीचर था उन्होंने बहुत सारी रूहों को बचाया अपने आप को सैक्रिफाइस किया अपने अपने लाइफ को उन्होंने सैक्रिफाइस किया उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया आप बाइबल में पढ़ेंगे पॉलूस ने सबसे ज्यादा कलिशियाओं का निर्माण किया उसने भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हम दाऊद को देखते हैं दाऊद ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनका नाम लिखा गया है उन्होंने प्रॉब्लम को क्रिएट किया उस एस्थर की किताब में जब आप हमान के बारे में सुनते हैं हमान ने प्रॉब्लम को क्रिएट किया और जो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है उसी प्रॉब्लम में खुद जाके खत्म हो जाता है नाश हो जाता है उसका एंड वहीं पर हो जाता है सो so, हमने ये सोचना है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे बनना है प्रॉब्लम सॉल्वर हमने परिवार के नाम को सुना है अपने लाइफ को उन्होंने अपने फैमिली अपने लाइफ हर एक चीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया है और उस आज उनका नाम राज्यों में देश विदेशों में घूमता है क्यों उन्होंने कुछ प्रॉब्लम को देखा रूहों को बचाना है कॉलेजेस को निर्माण करना है ताकि अच्छा एजुकेशन दे पाए लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा पाए उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं अब बाइबल में देखते हैं हम नेहमिया का नाम लेते हैं वो नेहमिया जो राजभवन में अच्छा कंफर्टेबल जगह में बैठा था हम जानते हैं सब नेहमिया के बारे में कितने लोग जानते हैं नेहमिया के बारे में नेहमिया जो राजा का पियाऊ था राजा के पास जब भी कोई पानी चाय जाता था वो पहले चेक करता था क्योंकि राजा को मरवाने का बेस्ट वे था उसके खाने में कुछ मिला के भेज दो सो so, नहमिया जो था राजा के लिए जो भी खाना जाता था वो पहले चेक करके फिर अंदर भेजता था और नहमिया उस कंफर्टेबल पोजिशन में कंफर्टेबल सिचुएशन में अच्छा सैलरी अच्छा सब कुछ एंजॉय कर रहा था राजमहल में अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा था बट जब उसके भाइयों ने एक दिन उसको विजिट किया विज़िट करके बताया नहमिया ने पूछा ये बताओ कि बैक मेरे घर आने में क्या चल रहा है उन भाइयों ने बताया कि वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है क्योंकि यरूशलेम की जो दीवारें हैं वो टूट चुकी है और उसको बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है और नहमिया दूर बैठा हुआ नहमिया को प्रॉब्लम समझ आ गया कोई प्रॉब्लम है और नेहमिया लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दिया नेहमिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मैं तो इस राजमहल में इस राजा के अधीनता में रह रहा हूं मैं हर एक चीज़ को एंजॉय कर रहा हूं बट मेरे लोग मैं सिक्योर जगह में रह रहा हूं सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर के बाहर हैं मेरे को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है बट ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे लोग जो हैं मेरी प्रजा मेरी जो जाति है वो उस इनसिक्योरिटी में रह रहे हैं क्योंकि शहरपना का दीवार क्या है वो खत्म हो चुका है और नहमिया ने प्रार्थना करना शुरू किया नहमिया ये सोचता था अरे मैं क्यों करूं बहुत सारे और यहूदी हैं परमेश्वर उनसे बात करेगा जो ऑलरेडी यरूशलेम में रह रहे हैं परमेश्वर उनको खड़ा करेगा मैं इतनी दूर से अपना कंफर्टेबल जॉब को छोड़ के मैं क्यों वहां जाऊं मैं इतना रिस्क क्यों लू नहमिया सोच सकता था बट नहमिया ने क्या किया नहमिया ने प्रॉब्लम को देखा और नहमिया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़ा हो गया अब जब नहमिया की किताब पढ़ेंगे नहमिया ने बहुत सारे ऑपोजिशंस को फेस किया टीम्स उसके खिलाफ आके खड़ी हो गई बट नहमिया अडा और खड़ा रहा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो सालों साल जो काम हुआ नहीं जो शहरपना का दीवार बना नहीं था नहमिया ने 52 डेज में उसका काम कंप्लीट कर दिया और आज आप और मैं नहमिया का नाम बार बार अपनी जुबानों में लेते हैं क्यों क्योंकि उसने क्या किया प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वही जब आप बाइबल में पढ़ते हैं हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं राजा दाऊद जब अपने घर में अपने राजमहल में बैठा रहता था वो सोता था वो जब छत की ओर देखता था वो बोलता था कि परमेश्वर मैं तो इस स्ट्रॉन्ग घर में रह रहा हूँ इस देवदारू से बनाए हुए घर में रह रहा हूँ मैं आराम से चैन की नींद सो रहा हूं बट तेरा जो संदूक है तेरा जो संदूक है अभी भी तंबू में है राजा दाऊद उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने ऑफरिंग को इकट्ठा करना शुरू किया और उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे लिए एक घर को बनाऊंगा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर में रहूं मैं उस स्ट्रांग हाउस में रहूँ और तेरा घर रेंट में हो या तेरा घर उस तंबू में रहे सो so, दाऊद राजा तैयार हो गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्सर हमारे सामने प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा उन प्रॉब्लम्स को अनदेखा मत कीजिए क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे परमेश्वर आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देगा परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें